चैंपियंस लीग से यूरोपा लीग, बी रेडी फॉर दैट। यूरोपा लीग, बार्सा गॉट नॉक्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम द चैंपियंस लीग, यूएफए यूरोपा लीग, इट वॉज नोन एज यूएफए कप पहले तो। एंड बार्सिलोना ने 11 बार खेला है इस टूर्नामेंट में, 4 बार सेमीफाइनल पहुंचा है एंड एक बार भी नहीं जीता है फाइनल। तो मतलब यूरोपा लीग बार्सा एक बार भी नहीं जीती, तो दिस कुड बी द फर्स्ट टाइम बार्सा यूरोपा लीग जीत जाए, है ना। गुड स्टार्ट टू द वीडियो, एक पॉजिटिव स्टार्ट है ना। बट डज इट फील वियर्ड, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है बार्सा फैंस एंड पूरी दुनिया, बिकॉज जब से मैं फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, वी हैव बीन प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, वी हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, वी हैव डोमिनेटेड फुटबॉल, नाउ वी विल बी प्लेइंग इन द यूरोपा लीग। जावी ने बोला अपने प्लेयर्स को कि यार हमें यूरोपा लीग नहीं खेलना है भाई, बाय एनी मीन्स हम यूरोपा लीग नहीं खेलेंगे, सो आज मेंटालिटी आज दिखानी, आज अच्छा गेम खेलना है, वी हैव टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 बिकॉज वी डोंट डिजर्व टू प्ले इन द यूरोपा लीग। थॉमस मुलर क्या कहते हैं, बार्सिलोना कैनॉट कोप अप विद द इंटेंसिटी, टेक्निकली एंड टैक्टिकली दे हैव इट, मतलब है हमारे पास वो अस्ट्यूटनेस है, बट एट द हाइएस्ट लेवल दे कैनॉट मैच द इंटेंसिटी ऑफ द गेम। समझ में आ रही बात, फुटबॉल कैसे अडेप्ट हुआ, कैसे फुटबॉल चेंज हुआ एंड क्यों बार्सिलोना सफर करी, सबको वो बार्तोमू वाला एरा पता है, बार्तो ने क्या किया गलत साइनिंग से, उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं थोड़ा सा और टेक्निकल पार्ट ऑफ गेम में आता हूँ, थोड़ा सा एक गलत ड्राइव, गलत डायरेक्शन में बार्सा जिस में जाने लगी उसके बारे में बात करता हूँ। दैट जिस हिसाब से गेम इंप्रूव हो रहा था, मॉडर्न फुटबॉल डेवलप हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, गेम फिजिकल हो रहा था, बार्सिलोना वो चीज नहीं अडेप्ट कर रही थी बिकॉज दे वर स्टिकिंग टू देयर डीएनए, हमें अपना डीएनए चाहिए, राइट। मुझे याद आ रहा है एक साल पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए थिंग, देयर इज नो पॉइंट इन स्टिकिंग टू अ स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो आपको रिजल्ट्स ना दे, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू अडैप्ट एंड गिवन द डेवलपमेंट्स ऑफ मॉडर्न फुटबॉल आपको अपने गेम में फिजिकलिटी, इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग लानी पड़ेगी। फॉर दैट यू नीड बेटर प्लेयर्स, फॉर दैट यू नीड द राइट साइनिंग्स, फॉर दैट यू नीड अ परफेक्ट स्क्वाड विद The perfect manager. तो manager कौन आए हमारे पास, जितने भी managers आए, Ernesto Valverde एक negative game style, हालांकि उन्होंने defensively team को सही किया, but Messi, Suarez, Neymar, all of these guys were there. KK Setien comes in, Ronald Koeman comes in, the savior to save the club. लोग argue करेंगे he's a legend, he saved the clubs 8-2 के बाद से कोई हमारे पे touch नहीं करता, अछूत बना दिया था Barca को, Ronald Koeman stepped in, हमारा club legend comes up and saves us. Let me tell you, positives होंगे, thing is bad business leads to bad management, leads to bad team results and leads to Europa League. So everything happened जब हमने अपनी टीम को एक total revamp दे दिया, इतना shambolic management मैं तुमको गिनवाता हूँ। आर्थर की डील से मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, आर्थर की डील, ठीक है, right, that was a mismanagement. मालकम की टीम सबको याद होगी, मालकम को हमने साइन किया था बॉडियो से एंड देन फिर व्हाट द हेल हैपेंड आपको पता है, ठीक है। इस सीजन का जब स्टार्ट होना तो रोनाल्ड कुमान ने कहा कि भाई हमें ये प्लेयर्स नहीं चाहिए, इनको लोन पे भेज दो, ट्रिंकाओ को हमने भेज दिया, एमर्सन को लाया था, एमर्सन को भेज दिया, वो तो फाइनेंशियल मूव था, लपोटा ने ग्रीजमान तक को भेज दिया, ठीक है। हमारे पास रे मनाए था हु वॉज अ स्ट्राइकर, नेचुरल स्ट्राइकर जो टॉप स्कोर था हमारे लिए प्री सीजन में, हैट्रिक हैट्रिक मारा था बंदा, उसको भी हमने भेज दिया, भाई तू जा खेल। कॉनराड डी ला फ्यूंट जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन द प्री सीजन, उसको भी हमने निकाल दिया। ट्रिंकाओ शोड लास्ट सीजन दैट ही कुड ऑफर मोर देन डेम्बेले एट पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी बिकॉज वो हरामखोर, वो तो घेड़िया मारता रहता है हॉस्पिटल के, उसको पता नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई नर्स पसंद आ गई है, वो पक्का सी वजह से इंजर्ड होता है, दैट गाय अलग स्टोरी। नाउ हम ब्रैथवेट इंजर्ड, हमारे पास हमने सोर्स को तो ऑलरेडी फोन कॉल से हमने उसको रिटायर करवा दिया था, राकेटिच एंड विडाल ऑलरेडी उनको वो भी चले गए। द मेन प्लेयर्स जो हमें एक्चुअली में कट आउट करने चाहिए थे, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो कि बहुत बुरा लगा कुछ लोगों को जब मैं बात बोलूंगा, जेरार्ड पीके, yeah, supposed to be one of them. He has to be one of them. हमको जो प्लेयर्स चाहिए थे अपनी टीम में इस सीजन, you know, we needed that squad, that depth. हमने सारे लोन पे डाल डाले। पियानिक वुड हैव बीन दैट गाय जो कि हमारी टीम में रहता तो हमें मिडफील्ड में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता इन गेम्स जहाँ पे बुस्केट्स वर्क नहीं करता। बुस्केट्स एंड पियानिक एक साथ खेल सकते थे, अब टॉपिक हम कैम खिला देते, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड कि हमने अपनी पूरी फ्यूचर बेस कर दिया ऑन पेड्री, डियोंग, बुस्केट्स एंड हमारे यंगस्टर्स गावी, निको, हु आर ग्रेट, आई हैव नो डाउट दिस गाइज आर ग्रेट,
बट आर दे इनफ टू कैरी अस थ्रू आउट द सीजन? आपने देखा पेद्री को आपने 70 गेम खिलाया, वो बच्चे के पैर खुल गए। अबे तो ऐसे थोड़े करते हो आप। यू डू नॉट बेस योर होल सीजन ऑन अ 17 or 18 years old किड। यूसुफ डिमिर को आप लाते हो, यू बेस योर एंटायर प्लान्स ऑन दैट गाय। आप ट्रिंकाओ हु हैज अडैप्टेड, हु हैज काइंड ऑफ सेटल इन टू द रिदम, आप उसको लोन पे भेज देते हो वुल्स पे, जहां ही इज प्लेइंग गुड। नाउ हमारे पास जो करंट प्लेयर्स है ना, डिपाय हराम खोर, बंदा टच नहीं ले पाता, बंदे से पासिंग नहीं होती, बंदा ऑफ पोजिशन खिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। लेफ्ट विंग पे खिलाओगे, स्ट्राइकर से खिलाओगे, भाई फाटी तो है नहीं। अगुएरो इंजर्ड बैठे हैं, अगुएरो की तो यार दिल की दिक्कत है, हाथ की प्रॉब्लम है, तो चलो ठीक है, रिस्पेक्ट टू दैट गाय, बट दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग। डेम्बेले आर एक्स फैक्टर, उस्मान डेम्बेले नंबर 7 बैक हराम खोर, ठीक है अभी जस्ट इंजरी से, व्हाट कैन ही प्रोवाइड व्हेन ही प्लेज इनकंसिस्टेंट पैच हमेशा से रहता है। लिटरली डेम्बेले पास होगा टैलेंट, डेम्बेले पास एबिलिटी होगी टू रन एट डिफेंस, एक्सप्लॉइट करना, सब कुछ करना, बट दैट गाय जस्ट कैन नॉट परफॉर्म। उसकी ड्रिबलिंग देख के ऐसा लगता है कि यार ही इज गोना लूज द पोजीशन हियर और देयर। बाकी बान मोने के प्लेयर्स की ड्रिबलिंग देखी तुमने? किंग्सले कोमान ऑन दैट रन, नोबडी वाज कमिंग नियर टू हिम, नोबडी वाज एबल टू स्टॉप हिम। साने के रन, दीस गाइज आर वर्ल्ड क्लास विंगर्स। और हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव द कैपेबिलिटीज टू गो आउट एंड डिफीट बायर्न म्यूनिख, वी ऑल नो दैट। हमको क्या चाहिए था इस गेम में? थोड़ा सा गेम के बारे में बात करता हूं मैं। यस डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी बायर्न म्यूनिख, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस भाई, 3-0 ठोक दिया अगेन। थॉमस मुलर द हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर अगेंस्ट बार्सिलोना एवर इन द चैंपियंस लीग भाई। बाकी बार्सा प्लेड गुड, वी प्लेड ग्रेट गेम इन द फर्स्ट हाफ, वी हैड अ गुड गेम, यस डेफिनेटली आई एम गोना से दैट। हाफ एन आवर तक हमने बायर्न म्यूनिख को कुछ क्रिएट करने नहीं दिया। क्लेमेंट लॉन्गले, अराउहो, पीके, दे वर डूइंग अ गुड जॉब अगेंस्ट लेवांडोस्की। वी केप्ट हिम रिलेटिवली क्वाइट इन द एंटायर गेम अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मोमेंट्स, जहां पे लेवांडोस्की को बॉल मिलती है, टर्न इन करता है, एंड पीके वहां पे, व्हाट अ बिजार डिफेंडिंग बाय जेरार्ड पीके भाई। अबे हराम खोर, वो प्लेयर है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, यू आर लेटिंग हिम, यू आर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव एट यू एंड टर्न। तुम मतलब उसको तुम पलटने का मौका दे रहे हो ताकि तू भाई पलट जा, तू देख प्लेयर और तू पास कर, और तू इतना तगड़ा पास कर कि एकदम मुलर के खोपड़े पे जाए। एंड इवन दो वी हैड टू प्लेयर्स वहां पे, डी योंग खड़ा था वहां पे, क्लेमेंट लॉन्गले खड़ा था, उनके बीच में से थॉमस मुलर रोज अप एंड स्कोर दैट हेडर। कहां है अपना डिफेंस? व्हाई आरंट आवर गाइस फाइटिंग फॉर द बॉल्स? क्यों नहीं हम वो हेडर्स विन कर पाते? थॉमस मुलर कौन सा बहुत अच्छा हेडर मारता है भाई? व्हाई डिडंट यू लीप ऑन एंड गॉट द बॉल? बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट इट, बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट कि लेवांडोस्की वहां से क्रॉस करेगा, बिकॉज यू एक्सपेक्टेड कि पीके शुड हैव डन बेटर ओवर देयर। तो हर एक क्रिटिकल एनालिसिस आप करोगे इस मैच का। अल्फोंसो डीवीस लेफ्ट हैंड साइड से जो फाड़ रहा था, डेस्ट वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम। हम एक बैक थ्री में खेल लेते हैं, डेस्ट राइट विंग बैक, जॉर्डी अल्बा लेफ्ट विंग बैक। है ना, जॉर्डी अल्बा की इंजरी, आई थिंक हैमस्ट्रिंग इंजरी है, क्या है पता नहीं, मैं यार देखा भी नहीं यार कि क्या इंजरी है उसकी, वो बाद में देखूंगा। बट दैट चेंज द गेम, या वी वर डूइंग गुड अंटिल जॉर्डी अल्बा वॉज ऑन द पिच। बैक थ्री फॉर्मेशन, विंग बैक का इस्तेमाल करना, गावी इज अ जिम, हमेशा मैं कहता हूं ही वॉज द रियल डिफरेंस मेकर, द वन गाय हु वॉन्टेड टू गिव his everything on the pitch. Dembele was occasionally getting into the game, but Bayern Munich sitting nicely. आधे घंटे तक उन्होंने देखा, समझा, बार्सिलोना के पास अप टॉप अगर थोड़े से क्लिनिकल स्ट्राइकर्स होते तो वी वुड हैव स्कोर्ड अ फ्यू गोल्स। इन द फर्स्ट हाफ वी डिडंट प्ले बैड, वी हैड दैट काइंड ऑफ कंट्रोल। सेकंड हाफ की बात ज्यादा ना करूं मैं, बिकॉज यार सेकंड हाफ में बायर्न म्यूनिख को 2-0 की लीड ले ली, 3-0 की लीड ले ली, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बी टीम खिला दी। नियांजू आ गए थे, बौना सार आ गए थे, मार्क रोका एंड ऑल दिस गाइस केम ऑन एंड प्लेड। तो उस मैच में बार्सा पोजीशन वाइज ज्यादा डोमिनेट किया, ज्यादा पोजीशन रखा सेकंड हाफ में, बट वी फेल टू क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ देम बिकॉज वी आर सो इमोशनली डाउन। हमारे सारे प्लेयर्स वाले क्या भाई, अब वी आर गोइंग इनटू द यूरोपा लीग, वी आर स्टेयरिंग राइट एट इट। एंड जावी क्या कहता है कि दिस इज द रियलिटी, वी आर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग भाई, वी डोंट डिजर्व टू बी हियर बट हमें करना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर इन द यूरोपा लीग, वी हैव टू फकिंग विन इट, वी हैव टू विन इट भाई। यूरोपा यूरोपा सर भाई, थर्सडे नाइट्स विल बी यूरोपा लीग नाइट्स। एंड ये थॉमस मुलर का जो कमेंट था ना, दैट वाजंट अ स्लैंडर, बंदे ने एकदम पॉइंट की बात की है। वी ऑल दो वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास टैक्टिक्स है, हमारे पास प्लान्स है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये है वो है, बट हमारे पास वो इंटेंसिटी नहीं है। एंड हाउ दैट विल कम? क्या जावी को हम इन 3-4 गेम्स के ऊपर जज करेंगे? क्या जावी और वाले स्लोगन चलाएंगे? नहीं, बिकॉज हम वो इतने बेवकूफ फैंस नहीं है, हम इमेच्योर फैंस नहीं है। वी लव दिस क्लब, वी ट्रस्ट इन द प्रोसेस, वी नो की गुड थिंग्स टेक टाइम एंड दिस इज रॉक बॉटम। मतलब पहले थे, यूरोपा लीग क्या है? इट इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो आउट एंड एक्चुअली कॉम्पीट इन अ टूर्नामेंट दैट हैज अ वैल्यू। बुरा क्या होता, बार्सा फोर्थ आती, वो किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाती, हम बस एक ला लीगा खेल रहे होते एंड उसमें भी यू नो हम पूरा फोकस दिए होते, कोपा डेल रहे था, फाइन, बट लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड ओवर हियर, यूरोपा लीग इज नॉट अ डिसग्रेस।
Why are people pretending that this is a disgrace? Manchester United, Villarreal, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, इतनी बड़ी-बड़ी टीमें खेली हैं वहाँ पे यार. So what's the problem? Problem ये है कि we don't expect Barcelona to be in the Europa League. Messi would have been over here, things would have been different. But Messi is not over here, so we're not gonna base this conversation upon that. It is all happening because हमारा management didn't figure this out कि ये होगा हमारे इतने immature signings के through, हमारे ऐसे high wages दे देना. तो all of these things were point us in a direction of a downfall and we have fallen down, but Europa League gives us that little bit of a confidence that we can keep on moving in this tournament, right? Hamare liye worst case scenario kya hum Europa League bhi haar jaye, theek hai? Do we expect to win this? Yes, I'm hellbent. I'm gonna go in Europa League. Main Thursday nights ko wo ho sunta hu to I'm gonna want to win that, period. Khatam baat. Europa League jeetna hai hame, khatam. Hamare players ko mauka milega khelne ka. We have got young players to play, right? Xavi's over here. Do you trust in Xavi? I do. Are we gonna become another Arsenal or AC Milan? यहाँ से दो रास्ते बढ़ते हैं ऐसे. Either your mentality, your character can take you in this direction, जहाँ पे आप वो AC Milan या Arsenal वाले phase में आ जाओ. और एक दूसरी line है ये. This is, you know, the high line, the high road, where you do not disgrace a competition. You say, ठीक है, we are over here. ये हमारी reality है. Europa League में हम belong करते हैं. We're gonna play. We're gonna give everything. We don't deserve to be over here. But right now we are over here. Bayern Munich clearly with a better team. We didn't look like we were going to win that game, right? So that's our reality now. तो अपन अब खेल रहे हैं यूरोपा लीग भाइयों. बार्सा विल लूज 20 मिलियन यूरोस. यस, पैसा नहीं मिलेगा, 20 मिलियन यूरोस चैंपियंस लीग में खेलने से हमें मिलता. बट पॉइंट क्या है, अभी टॉप फोर क्वालिफिकेशन भी अभी खराब लग रहे हैं. पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही कि टॉप फोर होगा कि नहीं होगा. बट अंडर जावी आई ट्रस्ट, आई थिंक कि हम लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में, यू नो, अब क्या हो चुका है, अब एक डिटॉक्स हो चुका है. लिटरली दुनिया का हमारे से ना वो अटेंशन जा चुका है, डिटॉक्स हो चुका है, ठीक है. हम चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, फाइन भाई. यही तो लोगों को देखना था, यही दुनिया को देखना था. इससे तुमको सुकून मिलता है, मानो इस बात को. बट what we are feeling, the fans of Barcelona right now, the young fans of Barca, jo ki bhi lately football ko follow karna start kiya pichle 3-4-5 saal se, and they have seen the not so good era of Barca, these guys right now are not feeling so good, bhai. So let me tell you, Barcelona is a legendary club, would not go on and become AC Milan or Arsenal, or hum league mein har saal qualify nahi kar rahe honge Champions League mein, aisa nahi hoga, bhai. Let me tell you, we are Barcelona, theek hai bhai. We will be coming back from this Europa League, beat or beat anything, we gonna go out and fight in that league, bhai. Hame jeetna hai and hame qualification lena hai Champions League ke liye, because that's the place where we belong. So bhai, end mein I do not know main aur kya bolu, because tum mujhe batao, how are you feeling? Isn't it weird? ये जो OG fans हैं यहाँ पे जो Barcelona को Europa League में देखते हैं, how have you guys been? मतलब कैसा था वो Europa League वाला time? Because I haven't seen it, ठीक है. तो जब हमने खेला था last time 2000 और 2001 का season था, Liverpool ने हमको हराया था उस point of time पे I think, and Xavi was in the squad and उसने last के 3 matches भी खेले थे in the group stage and all. तो Xavi was playing in the Europa League and he knows what it feels like to play in the Europa League, and now he'll be managing Barca in the Europa League, भाई. तो कोई बात नहीं, be ready. It is the worst thing, but it is kind of a blessing in disguise, yaar. So don't let your heads drop, because we are Barcelona and we're gonna come back. Yes, we're gonna come back. Ek transition season dete hain Xavi ko. Let's put our head down and let's make some decent, nice, intelligent signings. Kyunki hume pata hai kya sign karna hai hume. I know that. So let's do that and let's come back. Wiskel Barca and peace out.